आप हरिजन सेवक संघ को बचपन से बहुत समय से जानते हैं और जुड़े हुए भी हैं, तो हरिजन सेवक संघ का अभी तक का जो सफर है, जो उन्होंने काम किया अभी तक 1932 से चलते हुए आज 2022 आ गया है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं जब छोटा था, दीदी निर्मला देश पांडे जी अध्यक्ष थी, तो तब से हरिजन सेवक संघ का कार्यो को देख रहा हूँ। तो जब बड़ा हुआ तो कार्यो में भी जुड़ा, तो जब शंकर सन्याल जी अध्यक्ष बने तो नए लोगों को जोड़े और एक जोड़ने का एक सिलसिला शुरू किया। सारे देश में जो पुराने साथी थे, गांधीवादी थे, सबको जोड़ने का शुरुआत किया। जो जगह पे काम बंद था उसको कैसे शुरुआत हो, वो शुरुआत दिया। तो एक नया दिशा हमें हमारे अध्यक्ष ने दिखाया, वो नए साथियों को जोड़े और नए युवाओं के साथ। अभी हमारे उड़ीसा में उनके मार्गदर्शन पर हमने बहुत सारे युवा शिविर, गांधी युवा शिविर किए हुए हैं, कर रहे हैं, चल रहा अभी स्कूलों में, कॉलेज में। तो उनका मार्गदर्शन ही जो है, अभी तक जितने अध्यक्ष हैं, ये जो युवाओं को साथ जोड़ के जो काम कर रहे हैं और हरिजन सेवक संघ को के प्रति समर्पित एक जीवन है हमारे अध्यक्ष। वो मेरे पिताजी भी हरिजन सेवक संघ के सचिव रहे हैं, प्रशांत महंती सचिव रहे, वो दीदी के साथ ही हरिजन सेवक संघ से जुड़े, वो आखिर तक हरिजन सेवक संघ में रहे, और तब से लेके आज तक इतना समय में देखा हूँ। तो दादा जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरिजन सेवक संघ को एक नया दिशा दिलाने का कोशिश किया और एक युवाओं को लेके कार्यक्रम करने का जो प्रयास किया, हम उनके आदर्श, उनके मार्गदर्शन पे हमने काम अपना चालू रखा है। अब तक श्री शंकर कुमार सन्याल जी का जो काम है, जो कार्यकाल है, वो कैसा रहा, इसके संबंध में कुछ कहें आप? उनका कार्यकाल एक सुनहरा मौका मिला सबको काम करने का, जोड़ने का, और एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा और एक नया दिशा उन्होंने दिखाया सबको जोड़ के। अनेक कार्यक्रम देश भर में उन्होंने किए हैं, उनके मार्गदर्शन पर उड़ीसा में भी हमने बहुत काम किए। तो उनका कार्यकाल अभी तक में सबसे अच्छा कार्यकाल मेरे हिसाब से है।